कड़ाके की इस ठंड में सभी लोग अपने घर बिस्तर में हैं और ठंड इतनी पड़ रही है कि लोग परेशान हो गए हैं। गरीब मजदूर आखिर जाए तो जाए कहाँ। रोज कमाने खाने वाले लोगों की कितनी परेशानी हो रही है आपको हम बता नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम है हैप्पी फाउंडेशन, लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करता रहता है। और आज इसका नाम है नीशु और साथ में एक और जो सबसे बड़ा सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के नाम से जाना जाता है अनमोल, दोनों लोग सिवान शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि हैप्पी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चों के बीच कपड़ा का वितरण किया गया है। तो देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सिवान शहर के रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, उन लोगों के बीच ये युवाओं की टीम पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि इतनी ठंड है कि जो गरीब लोग हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं ठंड में परिवार के बीच कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उन लोगों के बीच हैप्पी फाउंडेशन और साथ में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की टीम पहुंची हुई है और छोटे बच्चों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया है। और देख सकते हैं कि बात करेंगे कि क्या सोचे इस ठंड को देखते हुए कि कपड़ा का वितरण किए, तो हमारे साथ सोसाइटी हेल्पर ग्रुप जो अनमोल जी पहुंचे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या सोचकर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, हम लोग का लगातार प्रयास होता है कि समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, जो बिन छत के रहने को मजबूर है, जिनके पास इस ठंड में कोई छाँव नहीं है कि अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे लोगों की लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं लोग। और जो हमारे समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे जो कपड़े लोगों के उपयोग के लायक नहीं होता है, तो कपड़े क्या होते हैं, दीपावली या घर जब साफ करते उसको सड़कों में फेंक देते हैं, जब उस कपड़ा से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, किसी के ठंड मौसम में किसी का शरीर को वो ढक सकता है। इसके माध्यम से यहाँ पे कपड़े का जो वितरण किया गया है, अभी हम साथ में आप भी पहुँचे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैप्पी फाउंडेशन के द्वारा, यहाँ पे नए कपड़े छोटे छोटे बच्चे जो गर्म कपड़े हैं उसको वितरण किया गया है। आपको यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन सभी के बीच कपड़े का वितरण किया गया है। एक नेक पहल है जिसके माध्यम से समाज को संदेश दिया जा रहा है कि आपको अगर पैसा है तो उसका उपयोग सिर्फ स्वयं के लिए ना हो बल्कि उन लोगों के लिए भी किया जाए जो आज भी कहीं ना कहीं आपको सुविधा के अभाव में अपने जीवन इस ठंड में सड़कों किनारे गुजारने को मजबूर। देखा जाए कि ठंड काफ़ी बढ़ गया है और जो मजदूर तबके के लोग हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं, ठंड इतना पड़ गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन लोग की जो मजदूरी है रोजी रोटी वो ख़त्म हो गई है और उनके परिवार के बीच नए कपड़े किनने का पैसा नहीं रह गया है और छोटे छोटे बच्चों के बीच आज कपड़ा का वितरण किया गया है। देखिए, सारे जितने सारे बात बोले उस सारे बातों को गलत साबित करते हुए हैप्पी फाउंडेशन यहाँ पर आई हुए, वो आपको समझिए कि मुजफ्फरपुर में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी सिवान के धरती पर जन्म लिए हैं, तो उनके दिल में एक वो दया है कि हम यहाँ से हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ के लोगों के लिए काम किया जाए, यहाँ के समस्याओं पर काम किया जाए। आप उदाहरण दे सकते अपने ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़ा वितरण कर रहे हैं और हैप्पी फाउंडेशन की तरह उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं और फिर यहाँ से अपना लोगों की मदद कर अपने ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। चलिए नीशु से हम बात करते हैं कि नीशु ने क्या सोचा कि आप मुजफ्फरपुर से सिवान पहुंचे, जैसा अनमोल ने बताया कि आप मुजफ्फरपुर से सिवान आए हैं छोटे बच्चों के बीच कपड़े बांटने। जी देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के अध्यक्ष अनमोल जी हैं, ये हमारे फ़ोन कॉल पे यहाँ आए, इनके इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमेशा हम लोग बड़ों के लिए भी करते हैं, समाज में हर तरह के काम करते हैं, लेकिन इस बार कुछ दिनों से हमारी सोच थी कि इस बार ठंड काफ़ी बढ़ते जा रहा है और हम बच्चों के लिए भी कुछ करें, उसी को देखते हुए आज हमारा छुट्टी था उसको हम अपने छुट्टी में यहाँ अपने गृह जिला पहुँचे हैं और आके हमारे यहाँ जो सिवान रेलवे स्टेशन पे जो गरीब असहाय और छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप कह सकते हैं पलानी में रहते हैं, वैसे बच्चों के बीच में गर्म कपड़ों का वितरण किया है। और आपके चैनल के माध्यम से समाज से भी अपील होगा, लोगों से भी अपील होगा कि जो लोग घर में कपड़ा रखे हुए हैं, पुराने कपड़े हो या नए कपड़े हो बच्चों का, आप सिवान के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लग रहा था कि इन लोगों को ज़रूरत है कि इतना ठंड बढ़ गया है और इन लोगों का रोजी रोटी भी बंद हो गया है, देखा जा रहा है तो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बिजनेस भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है और गरीब लोग हैं, कुछ लोग रिक्शा वाले हैं, कुछ लोग मांगने वाले हैं, तो लोग का जो सफ़र जो है ट्रेन का वो भी कम दिख रहा है, तो उन लोगों के बीच कितनी ज़रूरत थी। ये देखिए, आज हम और आप अभी दो दो तीन तीन कपड़े पहने हैं फिर उसके बावजूद भी ठंड लग रही है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों से जो है अछूत रहते हैं, इनके पास ये सब चीज़ें जल्दी नहीं हो पाती हैं या इनके पास वो सुविधा नहीं होती है या पैसे की कमी होती है जिस वजह से नहीं ले सकते हैं, तो आज इनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। समाज में हर व्यक्ति को इस ठंड के मौसम में बचाना है, हमको सिवान के अंदर जितने भी संस्था हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी आगे आएँ और इस तरह के नेक कार्य को करें। कितना सुकून मिलता है ऐसा नेक काम करके। देखिए, सामाजिक कार्य हमारी संस्था विगत कई वर्षों से कर रही है और हम लोग ऐसे काम हमेशा करते हैं और ऐसे काम
करके इंसान को दिली सुकून मिलता है, वैसे ही हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ुशी भी मिलती है इनके बीच में आके। एक तरह से ये समझिए तो हमारे परिवार हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो हमारे सदस्य हैं। कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें। जी बिल्कुल, समाज के हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि गरीब और असहाय के लिए ज़रूर आगे आए और कुछ ना कुछ ज़रूर करें। चलिए, चंदन भी यहाँ मौजूद है, इनके साथ जुड़ा हुआ है लंबे समय से। चंदन, लगातार तुम लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए हो और स्वास्थ्य विभाग में भी काम करते हो, ऐसा कहना है। देखिए, आपसे तो एक बार पहले ही बताया थे कि इनके साथ दिल से दिल जुड़ा हुआ है, तो समाज की सेवा के प्रति मतलब इतना हम लोग इच्छुक रहते हैं। बच्चों के बीच गर्म कपड़ा बांटना या कंबल का वितरण करना या कहीं पे जाके कॉपी कलम का वितरण करना, ये लोग इसमें हम लोग हमेशा समय देते हैं और आगे भी समय देने के लिए हम लोग पूरा इच्छुक हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने तो सिर्फ गर्म कपड़ा का वितरण किया है बच्चों के बीच, अभी देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं खाली पैर घूम रहे हैं, तो जल्द ही बच्चों के बीच या तो जूता चप्पल का भी कार्यक्रम रखेंगे हम लोग, ताकि बच्चा जो है खाली पैर ना घूमे। केवल गर्म कपड़े बांटने से ही ठंडा को नहीं भगाया जा सकता है, उसके लिए सारे व्यवस्था को ध्यान में रखना है हम लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण। चलिए, और लोगों से बात करते हैं कि कैसी पहल है इनकी, कि लगातार जो ये काम कर रहे हैं, कैसी पहल है इनकी ये? सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद बोलते हैं। ये हैप्पी फाउंडेशन की तरफ से निशु भाई ने आज कुछ दिन पहले मेरे साथ और अपने टीम के साथ भी ये बूढ़े एजेड आदमी को कंबल बांटे थे स्टेशन पे, और आज ये छोटे छोटे बच्चे के लिए कपड़े लाए हैं और ये आज वितरण किए हैं सिवान रेलवे स्टेशन पे। तो लगातार कई लोग हैं, कैसी पहल है ये? और सोसाइटी ग्रुप का और निशु भैया का जो फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया पहल है कि ठंडे के दिन में खासकर छोटे छोटे बच्चे जो कपड़े बिना चप्पल के बिना कपड़े के रह रहे हैं, खासकर अभी हम लोग कुछ पहने हो तो हम लोग को कुछ ठंड लग रहा है, ऐसे कपड़े अगर बहुत से लोग बाए हैं सिवान में समाज से भी, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं हुआ ठंडे को ठंडा में कपड़े। कितने छोटे बच्चे से लगाव है कि ये छोटे बच्चे हैं ये रेलवे स्टेशन पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपने परिवार के बीच और उन लोगों के बीच, ये लोग खेल रहे हैं तो इनको एक परिवार का सदस्य भी मिल जाता है, परिवार की तरह खेलने का मौका भी मिलता है और सुकून मिलता है लोगों को छोटे बच्चे का करने के लिए कुछ करके। तो लगातार एक हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर हमेशा रहते हैं, मनीष नाम है शायद आपका, कैसी पहल है ये? ये बहुत अच्छी पहल है सोसाइटी हेल्पर ग्रुप और हैप्पी फाउंडेशन के द्वारा। इनके द्वारा यहाँ पे जो बराबर आते हैं ये वैसे लोग हैं कि जो मोहल्ले मोहल्ले घूमकर अपने उपजीविका चलाते हैं, और इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड के चलते ये लोग मोहल्ले मोहल्ले घूम नहीं पा रहे हैं जिसके इनकी उपजीविका नहीं चल रही है, और ये हमारी संस्था जो बराबर आकर इनको सहयोग कर रही है, गर्म कपड़े दे रही है, खाना दे रही है, कंबल का वितरण कर रही है। बाकी संस्थाओं से हम आग्रह करें कि वो भी आए और इन गरीब लोगों को ध्यान दें। तो देखिए कि एक पहल है और एक आदमी पहल करता है तो साथ में 10 आदमी खड़े होते हैं, तो मेरे और भी जो संस्था है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आए और जो बच्चे हैं सिवान शहर के रेलवे स्टेशन में जो ज़िंदगी गुजार उनकी हेल्प करें। जी तो फिर आप कॉलेज चलेंगे एक नए एपिसोड में और कुछ नया दिखाने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।